शर्मा जी के ऐसे ऐसे इंसान हैं जो कि शायद आइसक्रीम को भी गर्म होकर खाते होंगे। हाँ कुछ ज़्यादा बोल दिया, ऐसा मत देखने को शायद मेरे ख्याल से ना। Welcome back to my channel. Hope you guys are doing good. This is Adarsh Sharma and first of all, Happy New Year. It's the 1st January 2020 and just main soke utha hu. Raat thodi late ho gayi thi because work tha. So around 3-4 subah subah aaya. Abhi utha hu, abhi baj rahe hain 11 baj gaye. Have to keep motivated aur bas kaam karna hai. Theek hai. इस साल का जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन है वो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि अब मैं कंटिन्यू रोज़ व्लॉग करूँगा। सो अभी शुरुआत तो कर लिए, अब देखता हूँ कहाँ तक जाता हूँ। आप लोगों का साथ रहा तो मतलब रेगुलरली व्लॉग्स आएंगे अब मेरे। ओके चलो व्लॉग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का क्या होता है, फर्स्ट डे। ओके एक्चुअली चाय बनी हुई थी और मैं गर्म कर रहा हूँ। थोड़ी देर पहले ही मेड आई थी, उसने चाय बना के गई थी मेरे लिए, मतलब आधा एक घंटा पहले मेड आई थी और चाय बना के चले गई थी, मैंने देखा अभी जस्ट। सो जस्ट मैं उसे गर्म कर रहा हूँ। वैसे गर्म चाय पीनी नहीं चाहिए, खुद बनानी चाहिए, लेकिन अभी जो है इसी में काम चलाते हैं। सो साल का पहला दिन, बहुत सारे लोगों ने अपने नए नए रेजोल्यूशंस बनाए होंगे, अपने नए मोटिवेशन सेट किए होंगे कि क्या करना चाहिए, क्या करना है आपको। और ये जो पहला दिन होता है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है कि मतलब आप ये करूँगा, वो करूँगा, ऐसे करूँगा। सो ये एनर्जी हमें मेंटेन रखनी है, ऐसा मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि ये एनर्जी मुझे पूरे साल भर मेंटेन करनी है, क्योंकि मैंने हमेशा अपना फोकस कहीं ना कहीं लूज़ किया हुआ है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन की बात करूँ, सो मैंने मेरा रेजोल्यूशन यही है कि कीप ऑन फोकस, फोकस 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 ऑन योर वर्क, फोकस ऑन व्लॉग्स, फोकस आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए नई नई स्टोरीज लाना, अपनी स्टोरी टेलिंग करना, यही मुझे अभी अपना फोकस मेंटेन करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं फोकस ऑफ हो जाता हूँ अपने वर्क से। सो इस बार का मोटिवेशन और मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन यही है कि कीप ऑन फोकस ऑन योर वर्क। जस्ट सब हो गई है, स्टार्ट कर लिया है व्लॉग करना, अभी व्लॉग कर ही रहा हूँ आप लोगों के लिए। सो लेट्स सी, विल गो एंड अभी बस चाय पीता हूँ, जाना है बैंक, यहाँ से बैंक में कुछ कैश जमा करने हैं, क्योंकि साल कुछ कमाए हैं कुछ पैसे, सो उसे जमा कर देते हैं। अपने पास कैश रखना अच्छा नहीं लगता, बैंक सेफ होता है, उसमें रख दो, बेस्ट है। चाय पीता हूँ मैं अभी और रेडी होता हूँ, फिर आप लोगों से मिलता हूँ। ओके चलिए। फाइनली रीच बैंक, अभी बैंक जाते हैं और थोड़ा बहुत काम करते हैं। तो ये हैं युवराज जी जो मुझे हेल्प करते हैं HDFC बैंक में, और बहुत हेल्प हो जाती है इनकी वजह से। थैंक यू सो मच सर, न्यू ईयर में आप मुझे इतना अटेंशन दे रहे हैं, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। और न्यू ईयर बहुत अच्छा जाएगा मेरा। ओके अभी डिपॉजिट करते हैं कुछ कैश है। तो आपकी मुझे बड़ी अच्छी है, सिक्योरिटी गार्ड है यहाँ के, बहुत अच्छे से सिक्योर करते हैं, तभी हमारे पैसे सेफ रहते हैं यहाँ पे, नहीं तो कोई भी लूट लेगा। वैसे तो मन तो मेरा भी मत कर रहा है बैंक लूटने का, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूं। चलो फिर अभी बैंक का काम हो गया है, अब मैं जाता हूं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो मुझे प्रिंट आउट निकलवाने हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स पहले प्रिंट आउट निकलवा लेता हूं। पूरा ऑफिशियली वर्क हो रहा है आज, पता है, मतलब आज का दिन पूरा ऑफिशियली वर्क हो रहा है, क्या पहला दिन साल का, पूरे डॉक्यूमेंट्स, मुझे दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट काम करने हैं, जैसे कि मेरी कंपनी का एड्रेस और मेरी कंपनी जो है वीडियो फिल्म्स की जो मेरी कंपनी है स्टोरी टेलर का रजिस्ट्रेशन हमें प्रॉपर अच्छी तरह से कराना है। GST नंबर भी मैंने अभी तक लिया नहीं है, GST लेना है मुझे, अभी सोच रहा हूँ लूँ कि नहीं लूँ, पहले GST समझना पड़ेगा मुझे।
डॉक्यूमेंट्स प्रिंट आउट निकलवाने के बाद मैं आ चुका हूँ अभी कठुआ तालाब, जहाँ पे मैं न्यू ईयर पे अपने दो खास दोस्तों से मिलने वाला हूँ। हालांकि कहने को तो दोस्त हैं लेकिन भाई से कम नहीं है। सो मैं मिलने वाला हूँ दोनों के दोनों दोस्त। थोड़ा सा आइए बढ़ा देते हैं। हेलो तो मिश्रा जी, हैप्पी न्यू ईयर। रोहित, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ तो चलो अभी हम जा रहे हैं लंच करने के लिए। साल का पहला लंच हम कर रहे हैं, पता नहीं आज कहाँ कर रहे हैं हम लंच, अभी देखते हैं। अभी ड्राइव पे चलते हैं, फिर कहीं पे लंच करेंगे अच्छे से। बिल्कुल, चलिए तो फिर आप लोग हमारे साथ लंच एंजॉय कीजिए। तो फाइनली हैप्पी न्यू ईयर का फर्स्ट लंच, मतलब डे का फर्स्ट लंच जो है क्लासन होटल में करने के लिए हम लोग। एंड वी मिश्रा जी एज यूजुअल और रोहित साथ में। सो हम अभी वेट कर रहे हैं विशाल का, जो कि हमारा फ्रेंड है। अभी तक उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, पता नहीं अभी तक सो रहा होगा। सो विशाल को फ़ोन लगाया जाए और लंच करते हैं अभी। और काफ़ी अच्छी वाइब है यहाँ की, इसका जो रिसेप्शन एरिया है काफ़ी अच्छा है। मतलब कलर्स काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर, प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लगता है। ओके थोड़ी देर के लिए आके चले गए थे। हाँ जो है डाइट, मतलब ऐसा लग रहा है मिश्रा जी डाइट करने वाले हैं आज से। तो फ्रूट्स लेके आए हमारे लिए, ठंडा है फ्रूट्स। शर्मा जी कैसे, ऐसे इंसान है जो कि शायद आइसक्रीम को भी गर्म होकर खाते होंगे। हाँ तो कुछ ज़्यादा बोल दिया, ऐसा मत देख मेरे को। अभी डेजर्ट खाएंगे, सोच लो मैं खाऊंगा। फाइनली लंच खत्म हो गया, बहुत कुछ खाया हमने, बहुत कुछ था। यूजुअली मैं खाते वक्त व्लॉग नहीं करता हूँ, इसलिए मैंने व्लॉग नहीं किया। सो भी करना पड़ेगा, क्या प्लान है यहाँ से, एक दो काम है वो करने हैं, वो करेंगे। हाँ डेजर्ट खाऊंगा, तो अभी डेजर्ट खाते हैं पहले, फिर उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। एंड फिर कुछ कुछ काम है वो करूँगा, और फिर फर्स्ट जैन पता नहीं कैसे जाएगा, अभी आगे देखते हैं। इवनिंग बाकी है, नींद पूरी है अभी मिश्रा जी के चेहरे पर देख सकते हैं, सो ही नहीं है रात भर कल, बहुत पार्टी है। नहीं मैं 1 बजे घर में था, आराम से सो गया था मैं। अच्छा ये तो अच्छी बात है, लेकिन सोना नहीं चाहिए। सो के 6 बजे सुबह उठ जाओ या 7 बजे उठ जाओ, मोटिवेट होके मतलब वॉक करने चले जाओ, जॉगिंग पे चले जाओ, मज़ा आ जाता है डे का, मतलब साल का पहला दिन। मैंने ऐसा नहीं किया, मेरी नींद पूरी लेट हुई क्योंकि मैं सुबह सुबह सोया था, इसलिए खैर कोई नहीं। जैसे नए साल की नई सुबह देखनी चाहिए थी हमें, सुबह सुबह कोई नहीं, 2 तारीख को देख लेंगे। ठंड बहुत थी, इसलिए ठंड बहुत थी सुबह। हाँ सूरज तो नहीं देखा, पर मैं उठ गया था मैं 7:30 बजे। सो ये ग्लास मुझे पसंद है, हमेशा होटल्स में अगर इस टाइप की ग्लास रहती है ना तो बहुत अच्छा लगता है, अपने आप को अच्छे से देख पाते हो फुल्ली, मतलब कितना अच्छा फील होता है ना एकदम, अपने आप को पैम्पर्ड करते रहो। ग्लास लगा देते हैं यार बड़ी बड़ी, अभी देखते हैं इसमें अंदर भी बहुत अच्छी ग्लास लगी हुई है, ये वॉशरूम के अंदर। ओ हाँ लाइट भी अच्छी, फाइनली। अरे आपका भेल पड़ा पीछे। अरे भेल यार अब सिता गया होगा, सिता गया होगा। सिताना वर्ड मतलब छत्तीसगढ़ में बोलते हैं कि पुराना हो गया होगा, सिताना पुराना पुराना हो गया। हाँ सिताना मतलब सिता, मतलब कोई नरम नमी पड़ गया है, सिता सिता गया होगा। हां वही वाला छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, लिंजो पुंजो। अरे ये चल रहा है इसमें भी सेम, चल बंद कर दो। ठीक है दोस्तों, बाय। फाइनली आई एम बैक टू होम, बहुत सारे काम है जो करने हैं। लास्ट जो डे शूट किया उसका डेटा बैकअप करना है, बहुत सारे एडिट्स पेंडिंग है। सो होपफुली अब एडिट करेंगे, और साल के पहले दिन काम से स्टार्ट ज़रूरी है। बहुत हो गया, लंच भी हो गया बाहर, दोस्तों से मिलना भी हो गया बाहर, अब बैक टू स्टूडियो, अब कुछ करेंगे हम काम। और
आज का व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं फिर, ज़्यादा बड़ा व्लॉग नहीं हो पाया होगा ये, बट ठीक है जितना भी होगा स्वीट हुआ होगा। अभी बच रहे हैं 5:30 इन द इवनिंग, अभी मैं ऑलमोस्ट 2-3 घंटा वर्क करने वाला हूँ, उसके बाद में भी मैं डिनर करके सो जाऊँगा क्योंकि आज नींद भी बहुत आ रही है। लेकिन ठीक है, पहला दिन है तो वर्क करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट डे पे आप वो करो जो आपका मन करे, जिससे आपको खुशी मिले, और खुशी मुझे एडिट करना, काम करना इसी से मिलती है, सो मैं वही करूँगा। और आप लोगों से बातें करना, तो मैं कर रहा हूँ आप लोगों से बातें, व्लॉग करना ऑब्वियसली। सो साल का पहला दिन ऐसे ही कुछ गुजर रहा है मेरा, और आप लोग समझ सकते हो मेरी चेहरे पे खुशी देख के कि इट्स गुड। आशा करता हूँ कि आप लोगों का भी दिन ऐसे ही जाए और ऐसे ही जा रहा होगा, और साल पूरा एकदम बहुत भरपूर अच्छे तरीके से जाए, मतलब जो कुछ भी चाहिए लाइफ में आपको वो आपको मिले, हैप्पीनेस मिले आपको अच्छे से। और आप ऐसे ही मेरे व्लॉग को देखते रहें, मुझे सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि रोज़ अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको व्लॉग के। एंड पसंद आया हो वीडियो को तो बिल्कुल शेयर कीजिए, दूसरों को दिखाइए मेरी स्टोरी। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ माई फर्स्ट डे ऑफ दिस ईयर 2020। वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर सबको, एंड keep watching, I'll be loving you all, okay, bye.